नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। जहां महाराष्ट्र में सियासी माहौल गरमाया हुआ है, वहीं झारखंड में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां के मतदान ने नेताओं के लिए भविष्यवाणी करना बेहद कठिन बना दिया है और अब दोनों गठबंधनों के नेता बस स्ट्रांग रूम के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है और 2019 में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन ने सत्ता में कदम रखा था। इस बार झारखंड में मतदान प्रतिशत में 4% की बढ़ोतरी हुई है, जो आमतौर पर सत्ता विरोधी लहर की ओर इशारा करता है। हालांकि इस बार झारखंड की 68 सीटों पर महिलाओं का मतदान पुरुषों से ज्यादा रहा, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि महिलाएं अब एक नई और ताकतवर वोट बैंक बनकर उभरी हैं। चुनाव से पहले जेएमएम ने अपनी मैया सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश की थी और पार्टी का दावा है कि यही रणनीति हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी में अहम भूमिका निभाने वाली है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपनी तरफ से गोगो दीदी और 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री जैसे वादों के साथ महिलाओं को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की थी। मतदान में बढ़ोतरी के बावजूद कुछ सीटों पर मतदान प्रतिशत घटा है, जैसे बरकट्टा, पाकी और छतरपुर, जिन पर पिछली बार बीजेपी का दबदबा था। इन सीटों पर घटित मतदान को लेकर भविष्यवाणी करना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि ये चुनाव के परिणामों पर बड़ा असर डाल सकता है। एग्जिट पोल के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुद का सर्वे जारी किया है, जिसमें उन्होंने 81 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों पर अपनी जीत का दावा किया है। सर्वे में कांग्रेस को कमजोर बताया गया है और ये भी कहा गया है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की सीटें संकट में हैं। कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं की सीटों पर खतरा है, जैसे लोहरदगा, जमशेदपुर पूर्वी, महगामा और जरमुंडी। हालांकि जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे का कहना है कि ये सिर्फ महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का व्यक्तिगत आकलन है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस चुनाव में कुड़मी नेता जयराम ठाकुर भी अपनी ताकत दिखाने में जुटे थे। जयराम के उम्मीदवारों ने कोल्हान और कोयलांचल में त्रिकोणीय मुकाबला पैदा किया है, जो बीजेपी और इंडिया दोनों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। अगर जयराम ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया तो बीजेपी सत्ता से दूर रह सकती है और यदि उनकी वजह से इंडिया के उम्मीदवार हारते हैं तो हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी मुश्किल हो सकती है। जयराम की रणनीति ने सुदेश महतो और उनके समर्थकों को भी चिंता में डाल दिया है। फिलहाल झारखंड के चुनाव में अभी बहुत कुछ अनिश्चित है और अब सभी की निगाहें स्ट्रांग रूम पर हैं, जहां से सच्चाई का खुलासा होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।